नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज दिन भर की खबरों की शुरुआत आज के हेल्थ बुलेटिन से करते हैं। आज जिले में 208 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 105 मरीज ठीक हुए हैं और 5 नागरिकों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक जिले में 16,962 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 15,154 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक जिले में 212 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में 1,596 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 1,052 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 544 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और संदिग्ध मरीजों के 1,690 सैंपल्स लिए गए और अभी तक जो सैंपल्स लिए गए थे पहले, उन सभी सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी है। यानी अभी सैंपल्स की कोई भी रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है और आने वाले दिनों में सैंपल्स की रिपोर्ट के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीसी एसेंजर सिंह ने कहा है कि 16 से 24 घंटे में टेस्ट कराने वाले नागरिकों की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट SMS के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और किसी व्यक्ति को हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो वो नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 117 या PSC CSC में मेडिकल ऑफिसर से कॉपी ले सकते हैं। CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि रोजाना लगभग 1500 नागरिकों के टेस्ट किए जा रहे हैं और अब कोई भी रिपोर्ट लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट के लिए डॉक्टर गजेंद्र द्वारा RT-PCR मशीन देने से टेस्टिंग की क्षमता बढ़ी है। प्रयोगशाला रेवाड़ी के नोडल अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र तंवर ने बताया कि 16 मई को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 1,522 नागरिकों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 205 पॉजिटिव सामने आए। उन्होंने बताया कि लैब में अब 24 घंटे काम किया जा रहा है ताकि कोविड की कोई भी रिपोर्ट लंबित ना हो। इस लैब में अब तक 1,35,788 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 13,169 नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि 24 अगस्त 2020 को इस लैब का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया था। डीसी यशिंदर सिंह का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिन नागरिकों को सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी आदि लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रहने और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा लेने की सलाह दी जाती है। इस सर्वे के काम में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, अध्यापक, ग्राम सचिव और एंटीजन टेस्टिंग सैंपल लेने वाला सदस्य शामिल किया गया है। जो टीम हॉटस्पॉट गाँव में घर घर जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति जानकारी लेने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अगर किसी पॉजिटिव आए नागरिक के घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए इन आइसोलेशन सेंटर में रह सकते हैं। जिले के गांव जूडी, निमोठ, नहाड़, कवाली, सीहा, डहीना, ओलांत, बालावासाहिर, खरखड़ा, गुरावड़ा, कारोली, आसिया की गोरावास, नंदरामपुर बांस, रायपुर, जड़थल, जोनावास, मैलावास, मुमताजपुर, सादत नगर, बोलनी, गुड़ियानी, कोसली, जैनाबाद, लिलोड, गोकलगढ़, जटसाना, भाड़ावास, लुहाना, बउआ, बाकली, कतोपुरी, झाल, गिंदोखर व टींट में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं SDM रेवाड़ी रविंद्र यादव ने आज गुरावड़ा, जटसाना, फतेहपुरी, डहीना, PSC व CSC का औचक निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गुरावड़ा CSC में पाया कि कोविड मरीजों के लिए कोई ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने 15 से 20 ऑक्सीजन बेड वहां तुरंत प्रभाव से लगाने की सिफारिश की है। जाटूसाना PSC के स्टाफ के बारे में बताया गया कि 3 डॉक्टर, डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर राजेश व डॉक्टर मनोज की ड्यूटी वहां लगी हुई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान तीनों डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे और मूवमेंट रजिस्टर को चेक किया गया तो रजिस्टर में कोई भी इंतराज नहीं पाया गया। SDM ने यहां पर भी 3 ऑक्सीजन बेड लगाने की सिफारिश की है। वहीं फतेहपुरी, टप्पा, डहीना, PSC में कोविड टेस्टिंग का कार्य संतोषजनक पाया गया। यहां पर भी 3 ऑक्सीजन बेड और डहीना PSC में भी 3 ऑक्सीजन बेड लगाने की सिफारिश CMO से की गई है।
इसके साथ ही हम आपको रोजाना बता रहे हैं कि किसी को घर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो oxygenhry.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला रेड क्रॉस भवन में भी संपर्क किया जा सकता है। ये रोजाना हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन पोर्टल पर अभी तक 668 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 359 आवेदनों की मांग के अनुसार उनके घर तक ऑक्सीजन रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और 268 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि 21 घरों में सप्लाई देने का कार्य अभी जारी है। डोर टू डोर सिलेंडर पहुंचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। यहां आपको बता दें कि कोरोना नियमों को अनदेखा करने वाले लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चालान कर रही है, साथ ही नगर परिषद, नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी चालान करने में लगे हुए हैं। डीएसपी हंसराज ने बताया कि अभी तक पुलिस ने मास्क ना पहनने वाले 21,279 व्यक्तियों के चालान कर 1,63,09,500 रुपए का जुर्माना किया है और सोमवार को भी 199 चालान किए गए हैं। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद, नगर पालिका धावड़ा और बावल सहित मार्केट कमेटी भी लगातार नियमों का अनदेखा करने वाले दुकानदारों के चालान कर रही है। आज रेवाड़ी में 22 और धावड़ा में 2 चालान किए गए हैं। संकट के समय में काफी लोगों को 2 वक्त का खाना भी शायद नसीब नहीं हो पा रहा है और ऐसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है और आमजन भी थोड़ा बहुत करके अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस बीच बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाने में लगे हुए हैं। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा है कि कांग्रेस सेवा रसोई मॉल टाउन स्थित उनके निवास स्थान से चलाई जा रही है, जहां से भोजन के पैकेट कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए भेजने का काम किया जा रहा है। सोमवार को भी टीम चिरंजीव राव द्वारा रेवाड़ी के विभिन्न स्थानों पर भोजन के पैकेट वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉलोनी व गांव में भी लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि कोई भूखा ना रहे।